Cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. ओके सो हे गाइस वस्सा वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की रील जो कि आपने अभी स्टार्टिंग में प्रीव्यू में देखी होगी। आप लोगों गाइस मैं कुछ इस टाइप की रील सिखाने वाला हूं एंड गाइस ये जो रील है Instagram पे कुछ ज्यादा वायरल हो रही है, तो गाइस मैंने सोचा कि मैं आप सभी के लिए इसका एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए। तो गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में आपको मैं कंप्लीट एडिट बताऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। तो गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बाकी गाइस मैं आप सभी को एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को क्या करना है गाइस, आपको इस वीडियो को एडिट करने के लिए गाइस आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज़ करना है कैपकट, एंड जिसके लिए यूज़ करने के लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पे वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, नहीं पता तो गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपको ये वीपीएन जो है सुपर वीपीएन आपको यहाँ पे जो मतलब मैं इसका लिंक नहीं दे सकता, आपको सिंपली जाकर प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। एंड इसको कर लेना एक्टिव, यानी कि कनेक्ट कर लेना इसको। एंड कनेक्ट कर लेने के बाद गाइस कुछ ऐसा ऐड आएगा, आपको उसको सिंपली वॉच कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी ऐड आती है तो आपको उसको देख लेना एंड उसके बाद आपको कट कर देना है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये करना, आपको यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंपली इसमें जाते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़ोन मेरा हैंग हो गया तो इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। सो गाइस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है इजीली। एंड इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको जो है एक वीडियो मिलेगी गाइस, जिसका वो वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे, या फिर आपको नीचे ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। उन दोनों में से आपको जहाँ से डाउनलोड करना चाहो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ये करना है, आपको गाइस पहले तो ये लास्ट का जो एंड वाला पार्ट है इसको डिलीट मार देना है, ठीक है। अभी मार दो बाद में मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस अब देखते हैं आपको करना क्या है गाइस। देखिए जो पहला शॉट जो है आपको इसमें गोल्फ का जो पहला शॉट दिख रहा है गाइस, इसमें आपको इसको पहला शॉट देखना है जहाँ पे इसका ये हिट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये हिट करेगा आपको सिंपली वहाँ पे जो है आपको वहाँ से वो वाला पार्ट आपको कट कर देना है, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पे हिट कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे रोक लूँगा वीडियो को, एंड यहाँ पे गाइस मैं ट्रिम वाले ऑप्शन में जाकर इसको जो मैं ट्रिम कर दूंगा। एंड उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो दूसरे वाला जो हिट वाला पार्ट है वो किधर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो इस साइड पर आ रहा है तो क्या करूँगा, मैं हल्का से इस साइड ले जाकर इसको भी ट्रिम कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से। एंड ट्रिम कर देने के बाद आपको जो इसमें सेकंड देख लेना, जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा 1.01 सेकंड पे ये मतलब वीडियो है, तो आपको उसको इतना डिलीट कर देना है। एंड जो आपकी वाली लेयर होगी ना जो आपकी फोटो की, उसको भी आपको इतने ही लेयर में रखना है, ठीक है। मतलब इतने ही मतलब कि इतने ही लेयर में 1.0 वाले में। एंड उसके बाद आपको आगे बढ़ना, आपको जो दूसरा गोल्फ का जो शॉट होगा आपको वो देखना है कि गाइस वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे शॉट जो है हमारा गोल्फ का ये वाला यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे ट्रिम पे जाएंगे एंड इसको भी देख लेंगे कितने पे आ रहा है। तो ये भी सेम वही है साइज, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से अभी डिलीट मारते हैं एंड जो एंड वाला पार्ट वापस से आगे इसको दोबारा डिलीट मारते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सभी को ऐड फोटो में जाकर एंड यहाँ से आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना, दोनों फोटोज़ को, ठीक है। दो फोटोज़ ऐड करनी होंगी आपको यहाँ पे, तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो उसके लिए करना आपको एक बार प्रेस करके रखना एंड जो ये वाली लेयर आपको उसको बीच में ले आना है एंड जो आपको फोटो है इसको बीच में ले आना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली जो सेकंड किया था जो हमारा 1.01 सेकंड पे था, तो हम इसको उतने पे कर लेते हैं। एंड जो लास्ट वाली फोटो थी हम वो भी हमारी इतने पे थी, तो हम उसको भी इतना ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम फटाफट करते हैं। सो गाइस हमारी जो यहाँ पे इतना हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए गाइस अभी जो यहाँ पे म्यूजिक तो ढंग से दिख नहीं रहा है, अभी तो म्यूजिक भी ऐड करना है। तो गाइस म्यूजिक वगैरह तो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, आप सभी को पता ही होगा यार कॉपीराइट क्लेम का दिक्कत होता है ना, तो यार ये सब नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना है आप सभी को इसमें, अब देखिए गाइस यहाँ पे हम इसमें पहले म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। अब म्यूजिक कैसे ऐड करना आप सभी को बताता हूँ, आपको म्यूजिक पे जाना, आपको एक्सटेंडेड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने वीडियो डाउनलोड करी है उसी वीडियो को आपको सिंपली क्लिक करना है एंड उसका जो वॉइस यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को करना है इसको ले जाना है स्टार्टिंग में एंड उसके बाद गाइस आपको चला के देखना है एकदम, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से एकदम चला के देखना है। एंड उसके बाद देखिएगा ये एकदम बिल्कुल म्यूजिक से ऐड हो चुका है, ठीक है, फोटो हमारी सब कुछ। अब गाइस बात आती है हमारे इसमें अभी इफेक्ट डालने की, ठीक है। तो इफेक्ट कैसे डालना है आपको फोटो में, आपको सिंपली अपनी फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो यहाँ पे पहले क्लिक करना है जिस पर इफेक्ट डालना है, पहले उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको लेना है। यहाँ पे गाइस आपको 3D के दो जूम मिलेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट वाला जो है वो मतलब कि यार थोड़ा मतलब इतना खास लगा नहीं है, बट इसको हमें एक बार अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता हमारी फोटो में अच्छे से ऐड हो जाए। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है यार ये, मतलब कि एक तो डाटा वाटा कनेक्ट कर रखा है, मैं तो वाईफाई से कर रखा है तब भी इतना टाइम ले रहा है, बट कोई नहीं हम इसको करते हैं। तो आपको जो इस चीज़ को करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो VPN वो कनेक्ट रहे, अगर आपका VPN कनेक्ट नहीं होगा तो ये जो इफेक्ट है ऑन नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा चला के देखते हैं। तो गाइस देखिए ये वाला जो इफेक्ट है इसमें मेरे को इतना खास लगा नहीं है, तो अभी हम दूसरे वाले को भी एक बार ऐड करके देखते हैं, ठीक है। एंड गाइस जब आप इस इफेक्ट को ऐड करोगे ना तो ये जो आपकी लेयर है उसकी लेंथ जो बड़ी हो जाएगी, तो उसको आपको बाद में ठीक कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको दूसरे वाले को लेते हैं एंड ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है।
ठीक है, तो दूसरे वाले को लेने के बाद देखिए ये वाला हमारा ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब देखिए कैसे ये तो हो चुका है, अब इसको जो है यहाँ पे इसका जो लेयर अभी हम छोटा करेंगे, तो अभी हम दूसरे वाले में भी ये डाल लेते हैं इफेक्ट, तो ये रहा, एंड इसको हमें अप्लाई कर देते हैं इस पर। एंड कैसे अप्लाई कर दिया हमने, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले तो इसको हम डन कर लेते हैं क्योंकि अभी जो हमें इसकी लेयर भी छोटी करनी है ना। कितना था हमारा लेयर का साइज, 1.0.1 था, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो है बड़ी हुई लेयर हम इसको अब छोटी करेंगे, 1.0.1 पे रखना है दोनों लेयर को, एंड इसको भी हम रख लेते हैं, एंड ये भी परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी हमने जो है दोनों लेयर रख लिया यहाँ पे। अब गाइस देखिए इसको हम थोड़ा सा चला के देखते हैं कि कैसी लग रही है। पहले तो हम इन दोनों की वॉइस कम कर देते हैं, नहीं तो डबल वॉइस हो जाएगी ना, तो मतलब वीडियो जो अलग ही लगेगी, तो इसको हम जो है दोनों वॉइस को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे परफेक्ट है, अब इसको एक बार चला के देखते हैं, बूम। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमारी जो वीडियो एकदम परफेक्ट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आप लोग भी ऐसी वीडियोस को एडिट करो और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना जब आप अपलोड करोगे। तो बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस चलिए मिलता हूँ सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग, थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।